विश्व जल दिवस के मौके पर नगर निगम इंदौर ने एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें पूरे विश्व में हो रहे जल संकट से बचने के उपाय पर चर्चा की गई। इस परिचर्चा में जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान कैसे किया जाए, इस पर पर्यावरणविदों ने अपने अपने विचार रखे और चुनौतियों के अनुसार हर बार एक नई थीम डिसाइड, प्रकृति के आधार पर, जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम पिछले 3 वर्ष से नगर पालिक निगम के साथ, ये जो ट्रस्ट है, अधिकारी गणों के साथ में। गौरतलब है कि देश भर में कई जगहों पर जल संकट के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में भी कई इलाकों में अभी से जल संकट के आसार दिखने लगे हैं। जल पृथ्वी पर नदी, तालाब और भूजल के रूप में मौजूद है। ऐसे में समय के साथ जल की बढ़ती मांग के बीच इसे सहेजने के काम में भी अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो पानी का संकट गहरा रहा है और पानी के ऊपर नेचर से उसको कैसे जोड़ा जाए, प्रकृति से पानी को कैसे जोड़ा जाए, इस दृष्टि से पूरा यह हमारा अभियान रहेगा। और आज पूरी परिचर्चा लगभग 2 घंटे की इसी विषय पर रहेगी, इसको हम कैसे सहेजें और कैसे बचाएं पानी को, इस दृष्टि से पूरा। जल के महत्व और आवश्यकता को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए ही हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंदौर में भी नगर निगम और जल एवं तालाब संरक्षण समिति ने परिचर्चा का आयोजन किया। परिचर्चा में जल प्रबंधन में आम जनता की भागीदारी और जल के लिए प्राकृतिक उपायों पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।